तपती गर्मी में कूलर की ठंडी हवा का आनंद ही कुछ और है। मजा आ गया। अंगूरी, अंगूरी, अरे कहाँ बगली, तुम ही कहा करती थी ना कि लड्डी के भैया कूलर लेकर आओ, कूलर लेकर आओ। अब कूलर ले आए हैं तो कहाँ छिपी बैठी हो पगली, जल्दी आओ। आ रहे हैं लड्डू के भैया, आ रहे हैं। हाय दिया, वो कहा है ना कि अम्मा जी का फोन आ गया था। अरे यार, अम्मा जी को कहो चैन से सो जाएं और कूलर की ठंडी हवा में हमें भी चैन से सोने दें। हाँ, लड्डू के भैया, कितना ओल्ड हवा आ रहा है। वो ओल्ड नहीं, कोल्ड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। सही से तो अब पकड़े हैं पगली। आई क्या करे हैं लड्डू के भैया। तू कहा है ना पगली, बहुत दिनों बाद हमारे भीतर रोमांस के कीड़े जगे हैं। लेकिन हमको बहुत शर्म आ रहा है। क्या पगली, शादी के 8 साल हो गए, अब भी ऐसे ही शर्मा रही हो जैसे पहली रात को शर्माई थी। हाँ, काहे शर्मा रही हो, काहे। क्या बे टिल्लू के बच्चे, ये क्या बदतमीजी है बे। मैं क्या बदतमीजी कर रही हूँ, मैं तो सोने आया हूँ। मतलब तू हमारे और अंगूरी के बगल में सोएगा? तो इसमें बुराई क्या है। भाभी जी मेरी बहन है और तुम हमारे जीजा हो। जीजा गए घुइया के खेत में, तू जा जाके किचन में सो जा। बड़ा आया कूलर की ठंडी हवा लेने के चक्कर में रिश्तेदारियां निकाल रहा है। मैं ना सोने का किचन में, बहुत गर्मी हो रही है और तुम्हारा ना पूरा किचन तप रही है। तो जा जाके बाहर सो जा। अच्छा, मेरा आधे से ज्यादा खून तो तुम्हारी घंटी चूस चुकी है और अब तुम चाहो कि बचा कुचा खून जो है वो मच्छर चूस ले। हाँ, यही चाहो ना तुम। सुनिए ना लड्डू के भैया, टिल्लू भैया को यहाँ सो जाने दीजिए ना। तुम भी कमाल करती हो अंगूरी, ये हमारे और तुम्हारे बगल में सोएगा। तुम एक काम करो टिल्लू भैया, आ जाओ कर हमरे बेडरूम में सो जाओ। हैं? नहीं, अरे बेडरूम में कहाँ सोएगा ये? सेठ जी, याद करो वो दिन जब भाभी जी ना थी तो हम ही तुम्हारे हम बिस्तर हुआ करते थे। चल सो जा बेडरूम में, ज्यादा बदतमीजी ना करता। एहसान फरामोश जा रही हूँ। थैंक यू भाभी जी। आयु कम कम, जाओ जाओ। यार बखत ने सारा मूड खराब करके रख दिया। छोड़िए ना उनको। चलो आओ ना पगली, कूलर की शीतल हवा की डाल पर हम प्रेम का झूला झूले। आओ ना डार्लिंग, आओ। भैया भैया, आप झूला बाद में झूलना। भैया वो क्या है ना, हमें बाथरूम जाना है और बाथरूम का बल्ब खराब हो गया, चलिए ना ठीक कर दीजिए। चलिए। अबे सुन, जा हमारे बाथरूम में चला जा। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे।